Good evening, everyone. So today we will be starting the first topic in mining engineering. This is the ventilation, which we are going to start today. So this is the introductory class. So I'll keep it very basics, or I'll try ki, if you don't know anything about mines, tab bhi aapko samajh mein aayega. Because in this class, first year bhi hai, second year bhi hai, third year bhi hai. So before starting, let me give you a brief idea that what is your ventilation and why ventilation is necessary. So can anyone say something? Dekhe, of third year, main third year se hi pooch raha hu, theek hai? Ab bataiye, ventilation mein padhaya tha aapko. What is ventilation? Bataiye, kuch bhi, anything. You can use any language. Hello. So वेंटिलेशन इज यूजिंग द जो फ्रेश एयर है उसको इनटेक करते हैं माइंस के अंदर और जो यूज्ड है उसको बाहर करते हैं सर. वेरी गुड सर. बेसिकली वेंटिलेशन को हम लोग सर अंडरग्राउंड माइंस में यूज करते हैं ओनली. यस. सो व्हाटएवर यू सेड राइट नाउ, ये बहुत अच्छा वे हो गया बताने का. मतलब एकदम सिंपल एंड बेसिक. व्हाट इज वेंटिलेशन? Since we are talking in mining engineering, so हम mines का बात करेंगे. बात को समझिए. Ventilation तो ऐसा भी, ventilation को समझने के लिए आप ये भी समझ जाइए कि जैसे कि मैं अभी इस room पर बैठा हूँ, आप अपने घर पर बैठे हुए हैं. So this room is totally packed. कहीं से ventilation अभी नहीं है, ठीक है ना? So I am sitting here, I have not switched on the fan also because मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा noise करता है fan तो. So I have not switched it on, okay? सो आई एम सिटिंग हियर. गर्मी का सीजन है, ठीक है, गर्मी तो लगेगा ही. तो क्या हो रहा है ना कि मुझे बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है हल्का, और गर्मी लग रहा है. तो ये जो सिचुएशन अभी मैं फेस कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ? यहीं पर बात आता है वेंटिलेशन, ठीक है ना? यहीं पर वेंटिलेशन का बात आता है. हाउ आई कैन रिमूव दिस सिचुएशन? अगर इस रूम को मैं अच्छे से वेंटिलेट कर दूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से यहाँ पर दरवाजा है, इफ आई ओपन दिस, ये भी बंद है, इफ आई ओपन दिस डोर, ओके, सो सम फ्रेश एयर इज कमिंग इनसाइड, ओके, एंड इट इज ऑक्यूपाइंग दिस रूम. फाइन. अब ये रूम फ्रेश हवा से ऑक्यूपाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी मैं सांस ले रहा हूं, तो उसे भी गर्म हवा बाहर आ रहा है, और देर आर लाइक सेवरल अदर फैक्टर्स. मेरा लैपटॉप चल रहा है, लैपटॉप का फैन चल रहा है, इससे गर्म हवा निकल रहा है. सो देर आर लाइक सेवरल मीडियम्स जिससे क्या हो रहा है कि इस रूम में हीट आ रहा है, ठीक है ना? मतलब हीट एडिशन हो रहा है. तो इफ आई वॉन्ट टू वर्क हियर, मैं यहाँ अगर अच्छे से काम करना चाहता हूँ, तो मुझे या तो फैन ऑन करना होगा, ठीक है, या तो मैं इस दरवाजा को खोल दिया हूं ताकि जो गर्म हवा है अंदर में वो बाहर चला जाए, सर्कुलेशन ऑफ एयर मेंटेन हो, ठीक है ना? सो यहीं पर टर्म आता है वेंटिलेशन. ओके, so now how we are relating this with mines? Agar mines, ab aap do tarah ka mines hota hai, you know very well. First is the open cast mines aur dusra underground mines. So open cast mines mein kya hota hai? Open cast mine, it is a mining method in which no part of its working is extended below a super adjacent ground. Open cast ka matlab kya ho gaya? Open cast ka matlab hai, let me try to write something, okay? See, this is also okay. So first I'm talking about what is this open cast mines. Open cast mines ka definition kya hua? Ki aapka koi bhi jo working hai na, aapka jaise ki working kya ho gaya, jaise ki yahan par aap imagine karo ki yahan par truck hai, theek hai, yahan par koi machinery hai, okay. So aapka proper kaam chal raha hai, theek hai, aur yahan par aapka bench hai, तो ये काम चल रहा है, ठीक है. दिस इज द वर्क गोइंग ऑन इन एन ओपन कास्ट माइंस.
तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे वीडियोस फोटोज देखे होंगे कि जिसमें एक मशीनरी होता है जो कोल को लोड करता रहता है ट्रक पे। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस ओपन कास्ट माइन पे कोई भी जो आपका सर्फ वर्किंग एरिया है उसके ऊपर में कोई सुपर एडजेसेंट सरफेस है क्या? जैसे सुपर एडजेसेंट सरफेस मतलब ऊपर में कोई रूफ है क्या? वो बिना रूफ का है ना, तो इसको हम इसलिए ओपन कास्ट माइंस बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वर्किंग रीजन है वो हमारे रूफ के अंदर में नहीं आता है, ठीक है ना। बट आपका अंडरग्राउंड माइंस किस तरह का होता है? अंडरग्राउंड माइंस आपका, जैसे कि ये आपका सरफेस, ठीक है, दिस इज अ सरफेस। अब अंडरग्राउंड माइंस में क्या करते हैं, हम यहां से एक शाफ्ट बनाते हैं, मतलब जस्ट नाउ आई एम यूजिंग वेरी नॉर्मल टर्म, जैसे हम कुआं बनाए, रास्ता बनाए, ठीक है, आपका नीचे पहुंचने तक रास्ता बनाए नीचे पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कोल मिनरल्स था, ये कोल है मान लीजिए, ठीक है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम पूरा एक पहले ये कुआं की तरह रास्ता बनाए नीचे जाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ऐसे ये गैलरी बनाए, ये रास्ता बनाए हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज वो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आप इससे कोयला को तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ माइन इज अंडरग्राउंड माइन, ठीक है ना। सो आपका जो अब आप खुद बोलो कि आपका जो वेंटिलेशन का नीड होगा वो कहाँ होगा, ओपन कास्ट इसमें होगा या इसमें होगा? इट्स ऑब्वियस कि आपका जो वेंटिलेशन का नीड होगा ये अंडरग्राउंड माइंस में होगा, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में तो ऑलरेडी जो आपका एरिया है वो सरफेस पे है। तो ये हवा क्या हो रहा है कि इस रीजन पे क्या हो रहा है कि हवा आ रहा है, ऑटोमेटिक हवा आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, इस पे हवा इसके सामने आ रहा है। अब ये जो भी ब्रीथिंग जो चल रहा है प्रोसेस बॉडी में, बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, नॉर्मल सा प्रोसेस ब्रीथिंग हो गया, जैसे आप गर्म हवा बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो आप एक्सहेल करेंगे और ये हवा आपका बाहर जाता जाएगा, ठीक है। तो जो एयर है, आपका जो हवा है, जो सरफेस है, आपका जो वर्किंग एरिया है, वहां पर हवा प्रॉपरली आ रहा है, एयर इज कमिंग टू दैट रीजन इन अ प्रॉपर मैनर एंड लिविंग दैट रीजन विदाउट एनी कोई एफर्ट के बिना ही ये काम होता जा रहा है। बट आपका अंडरग्राउंड माइंस में देखिए, जो हवा है सरफेस पर, इसको यहाँ नीचे पहुंचने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। आपका ये नीचे कैसे आएगा, आपको इस ये जो इंसान है, अगर इसको हम प्रॉपर वे में अगर एयर प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो कैन यू इमेजिन कि विल ही बी एबल टू वर्क, वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसका स्वेटिंग होगा। जस्ट लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल कि इस रूम में बैठे हुए हैं, अगर इसमें अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, हवा नहीं आएगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू वर्क हियर। सो सेम, सो दैट इज द अल्टीमेट रीजन कि हमें वेंटिलेशन का नीड होता है, क्योंकि व्हेन तो ओनली इन अंडरग्राउंड माइन, नॉट इन ओपन कास्ट माइन, वेंटिलेशन इज नीडेड इन अंडरग्राउंड माइन, ठीक है। सो हमारा काम, जो भी वर्कर्स नीचे हैं, अगर अगर उन्हें हम अच्छे प्रॉपर वे में हवा पहुंचाएं, तो क्या होगा, वो अच्छे से सांस ले पाएंगे, उनका पसीना नहीं आएगा, तो क्या होगा कि वो इफेक्टिवली काम करेंगे, ठीक है, और आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। देखिए माइनिंग में आप एक चीज जान लीजिए, वट एवर यू आर स्टडिंग, ओके ना, ये वेंटिलेशन और एनीथिंग, तो दिस इज बिकॉज कि आपको इसके बारे में पढ़ना है और माइंस में अप्लाई करना है, और किस वे में अप्लाई करना है, ताकि आपका जो प्रोडक्शन हो ना वो बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली जो माइंस में है, अल्टीमेटली जो जब माइनिंग का बात करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन देखते हैं, हमें जितना से जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो, जितना ज्यादा हम काम कर पाए, जितना ज्यादा कोयला निकाल पाए, कोल और एनी अदर मिनरल, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कोल, बिकॉज कोल बहुत अबंडेंट में अवेलेबल है, और मैक्सिमम माइंस इन इंडिया और इवन इन लाइक अदर कंट्रीज, आपका कोल का ही होता है, माइनिंग जो है बहुत ज्यादा होता है कोल का, बाकी जो अदर मिनरल्स हैं उनका क्वांटिटी इतना नहीं है जितना कोल का है, इसीलिए वो उनके माइंस कम होते हैं, जो अदर मिनरल्स होते हैं, एल्युमिनियम, आयरन और बॉक्साइट वगैरह, ये सब उनके यूरेनियम हो गया, ये सब बहुत रेयर मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनका माइनिंग कम होता है, बट कोल का मैक्सिमम जो माइंस आप देखोगे वो कोल माइंस का होता है। सो दिस वॉज अ इंट्रोडक्शन आपका कि वेंटिलेशन हमें कहाँ जरूरत है, फाइन। सो मूविंग फर्दर, ओके, नाउ लेट मी टॉक कि अब मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर हमें वेंटिलेशन पहुंचाना है, हमें हवा पहुंचाना है, एंड लाइक फॉर दैट वील स्टडी द सब्जेक्ट,
इसको समझेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो नाउ यू से मी व्हाट इज दी लेट मी यूज ब्लैक. ओके सो व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर द फ्लो ऑफ एयर. ओके व्हाट इज द बेसिक रीजन, मतलब आपका आपको तो एक इतना समझ में आ चुका है कि हमें हवा पहुंचाना है. कहाँ हवा पहुंचाना है? अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है, जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें समझना होगा कि हाउ डज द एयर फ्लोस, ठीक है ना, एयर कैसे फ्लो करेगा और मतलब कहाँ से कहाँ उसका, लाइक वी विल हैव टू स्टडी अबाउट इट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना. जस्ट लाइक अभी अंजित, आई गेस अंजित ने आंसर दिया था ना कि कैसे व्हाट इज वेंटिलेशन, कि क्या होता है कि आपका जो फ्रेश एयर अंदर आता है माइंस के अंदर और पॉल्यूटेड एयर बाहर चला जाता है. दिस इज ये सिंपल सा डेफिनेशन था. रीजन तो यही है, मतलब कि हम वेंटिलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, यही रीजन है कि बाहर से फ्रेश एयर अंदर आए माइंस के अंदर और जो पॉल्यूटेड एयर है, जो डस्टी एयर है, वो बाहर चला जाए. तो इसी ऑपरेशन को करने के लिए वी यूज दिस वेंटिलेशन, ठीक है ना. सो अब वी फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर एयर टू द वर्किंग एरिया इन अंडरग्राउंड माइंस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वील हैव टू स्टडी फर्स्ट कि हाउ डज द एयर फ्लोस. आप वो समझेंगे तब तो आप जान पाएंगे ना कि कैसे आप हवा का इनटेक, हवा का जो फ्लो है उसको बढ़ा सकते हैं. सो फर्स्ट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द एलिमेंट्री 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 लॉ ऑफ एयर फ्लो. ओके अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो है उन्हें याद आ रहा होगा कि मैंने ये बताया था आपको, ठीक है, बट आई जस्ट डिक्टेटेड. अब मैं बताऊंगा कि हाउ इट इज को रिलेटेड, एक दूसरे से कैसे को रिलेट होता है. ओके सो फर्स्ट फर्स्ट इज योर आई सेड आपको पता चल चुका है कि हमें क्या कराना है, कि फ्लो ऑफ एयर कराना है. तो हाउ डज एयर फ्लोस, आपको पता है कि हाउ एयर फ्लोस, एयर फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. Let me write this. High pressure to low pressure. Now, are you getting this? Like, understand this, कि ये तो नेचर हो गया ना कि फ्लो जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है. झरना ऊपर से नीचे पानी आता है, पानी नीचे से ऊपर तो नहीं जाता है ना. सो एयर भी आपका जो फ्लो होता है, एयर का, हवा जो है, जहां हाई प्रेशर होगा वहां से हवा किधर जाता है, लो प्रेशर जोन की तरफ. आप जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसे पॉट लेते हैं एक और यहां पर ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग फ्यू सुगर इन इट. ओके ये सुगर हो गया, ठीक है. अब ये सुगर जब ये मिक्स होगा, ये जो सुगर है ये तो बहुत हाई कंसंट्रेशन है, ये बहुत हाई कंसंट्रेशन है ना. अब जो सुगर का मिक्सिंग होगा इस पानी में किस तरह से होगा, ये हाई जो जहां पर इसका कंसंट्रेशन हाई है वो धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जहां पर कंसंट्रेशन लो है उधर की तरफ ये ट्रेवल करना लगेगा, यही होगा ना. धीरे धीरे ये जो पूरा सुगर है इक्वली आपका पूरा चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरा इक्वली मिक्स हो जाएगा. तो आपका जो एयर है ना, इट इसका भी यही नेचर है. आप जो एयर एयर है आपका, ये कहां से फ्लो होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन. अगर अगर ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर नहीं होगा, ठीक है ना, तो एयर फ्लो नहीं होगा. मान लीजिए ये रूम है, अगर चारों तरफ का जो प्रेशर है वो सेम है, कहीं हाई लो नहीं है, तो वो मूव ही नहीं करेगा, वो स्टेबल स्टिल रहेगा. इनफैक्ट अगर मैं बात करूं इसका कि ये जो सुगर है ये तब तक फ्लो करेगा ना, तब तक मिक्स होगा, तब जब तक ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाए. एक बार अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, होमोजेनियसली ये मिक्स हो गया पूरा पानी में, तो इसका मिक्सिंग रुक जाएगा क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. ओके सो अंडरस्टैंड इस वेरी नाइसली, बिकॉज आपका आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जहां पर आपको ये सारी चीजें मैटर करेंगी आंसर देने के लिए. आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है. गेट आप
सिर्फ थियरी मतलब सिर्फ मतलब रट के चले जाएंगे तो प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा। हर साल नए नए क्वेश्चंस बनते हैं, आपको हर लाइन का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? सो दिस इज क्लियर कि एयर फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, सो नाउ टॉकिंग सेकेंड थिंग, दैट इज योर एयर फ्लोस फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। सो कैन यू सी दैट योर एयर फ्लो अकर्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस इज क्लियर? सेम हैपेंस विद दी व्हेन वी टॉक अबाउट द डेंसिटी, यू नो दिस टर्म्स। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पता है ना क्या है, और आपका डेंसिटी क्या है पता है आपको, कोई डिफाइन कर सकता है? एनीवन? लेट मी डिक्टेट दिस। ओके ओके, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इफ लेट मी ओके, सो दिस प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ओके, कैन यू एनीवन टेल कि इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, सर। ठीक है? न्यूटन एरिया का यूनिट क्या होता है? लेंथ मीटर स्क्वायर। फाइन, मीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही हो गया। ओके, इसी को, ये पूरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को वी कॉल इट दिस इज कॉल्ड एज, इसी को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पास्कल। दिख रहा है ना आपको? पीए। बहुत छोटा लिख दिया क्या? ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को ही वी से इट एज पास्कल, ठीक है? हेलो, प्लीज रिप्लाई समथिंग, एनीथिंग कुछ yes, बोलिए, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? हाउ मेनी आर देयर? देयर आर 12 पार्टिकल्स। ओके, सो अभी ये सारा टर्म्स आपका धीरे धीरे और इलेबोरेट होता जाएगा, ठीक है ना? आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये पास्कल किसका यूनिट हो गया, प्रेशर को मेजर करने का यूनिट हो गया। तो प्रेशर, पास्कल इज नॉट द ओनली यूनिट टू मेजर द प्रेशर, बार भी होता है आपका, मिलीमीटर ऑफ एमजी भी होता है आपका, मिलीमीटर ऑफ डब्ल्यूजी भी होता है। धीरे धीरे अभी और टर्म्स हम खुल के आएंगे, बात करेंगे। फिलहाल वी आर कोरिलेटिंग थिंग्स लाइक प्रेशर और डेंसिटी। प्रेशर तो समझ गए क्या है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, इसका यूनिट होता है, इसका आपका फॉर्मूला हो गया फोर्स बाय एरिया और फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं पास्कल, ठीक है? नाउ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी। ओके, डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है हाउ क्लोजली पार्टिकल्स, हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड। ओके, हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड। सो डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, हाउ क्लोज पार्टिकल्स आर पैक्ड, मतलब आप देखिए, आप इसको इमेजिन कीजिए, लेट मी स्क्रॉल दिस। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी आपका बहुत सारा ऐसा टर्म्स आएगा जो आपको ये रिलेट कर पाएंगे। तो अभी हम इमेजिन करते हैं कि ये एक कंटेनर है, ठीक है? ओके, अब इसमें ढेर सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, ठीक है ना, अभी हम हवा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम
वेंटिलेशन में सिर्फ हवा का बात आएगा, ठीक है ना। वेंटिलेशन में आप जो पढ़ेंगे विल ओनली स्टडी अबाउट एयर, नॉट फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का जब बात करेंगे तो चीजें बदलने लग जाती हैं, फॉर्मूलास अलग अलग आने लग जाता है। तो अभी सिर्फ हम हवा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एयर है, ये एक कंटेनर है। अब एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, लेट मी मेक इट अपोजिट। ओके, यहां पर एक छोटा कंटेनर है, ठीक है, और यहां पर एक बड़ा कंटेनर है, ठीक है। दोनों में वी हैव फिल्ड इट विथ एयर, ओके। नाउ कैन एनीवन से कि आपका प्रेशर हाई किसमें होगा, कोई बताइए। अच्छा टेल मी, सिंस डेंसिटी का बात हो रहा था, डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा, पहला कंटेनर वन में होगा या टू में? आपका यस, आपका जो डेंसिटी है वन में होगा। आपका अभी मैंने बताया ना, व्हाट इज डेंसिटी, हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड। अब ये पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स। अब इसको अगर हम बाइंड कर देंगे, मतलब एक जगह उसको कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, तो क्या होगा कि वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, उसका डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, हाई। इसको हम बोल सकते हैं कि इट हैज हाई डेंसिटी, बिकॉज पार्टिकल्स बहुत नजदीक है ना एक दूसरे से, क्लोजली पैक हो गए। तो और इसमें तो आपका देखिए पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, तो इसमें क्या होगा, लो डेंसिटी, ठीक है, फाइन। अब आप बताइए प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, एनीवन, वन या टू में होगा? यू आर अनेबल टू गेस। आपका प्रेशर डेफिनेटली वन में ज्यादा होगा, क्यों, ये क्लोजली पैक्ड है ना, सारे मॉलिक्यूल्स एक वॉल्स पे, ये जो कंटेनर है इसके वॉल्स पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो इस कंटेनर में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ये समझ में आ रहा है देखने से आपको? यस सर। देखिए मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, कि प्रेशर जो है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। This is, इसका भी आप बोलोगे तो मैं इसका डेरिवेशन बता दूंगा कि ये क्यों होता है प्रेशर, बट यहाँ देखने से भी तो समझ में आ रहा है ना कि आपका जो डेंसिटी है जहां हाई है प्रेशर भी डेफिनेटली वहां हाई होगा, अगर यहाँ लो डेंसिटी है तो यहाँ भी लो प्रेशर होगा। प्लीज आप लोग भी कुछ बोलिए, तब तो मुझे लगेगा ना आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी चल रहा है अभी, बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो ये समझ में आ रहा है ना, देखिए व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस ना, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे रह सकते हैं कि यू विल बी गिवन अ सिचुएशन कि यहाँ का डेंसिटी इतना है, आप इस मतलब माइंस का, जैसे कि जस्ट एग्जांपल आपका इस तरह से, इफ यू मेक अ नॉर्मल लेआउट ऑफ माइंस, देखिए ये जो डायग्राम है अभी इसको मैं सोच रहा था थोड़ा देर बाद बताऊंगा, बट ठीक है। ये सरफेस हो गया, ये आपका डीसी हो गया, मतलब डाउन कास्ट शाफ्ट, मतलब नीचे जाने का शाफ्ट का मतलब समझते हैं, माइंड डेवलपमेंट में पढ़ाया गया था शाफ्ट इज अ, ये मतलब समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको इमेजिन कीजिए कुआं की तरह होता है एक रास्ता, शाफ्ट कुआं की तरह हम एक रास्ता बनाए हैं जिससे हम माइंस का अंदर जा सकते हैं, हमारा जो अंडरग्राउंड वर्किंग है वहां पर पहुंच सकते हैं, जिसको हम डाउन कास्ट शाफ्ट बोलते हैं। और ये जो रिटर्न हो गया इसको हम अपकास्ट शाफ्ट बोलते हैं, यूसी। देखिए आई विल टेल इट बहुत अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मैं बस ये रेफरेंस देना चाह रहा हूं कि आपको अगर कंडीशंस दे देगा कि यहाँ पर हाई डेंसिटी है, यहाँ लो डेंसिटी है, तो आप चाहे प्रेशर यहाँ हाई है यहाँ लो है, इस डाउन कास्ट शाफ्ट में प्रेशर हाई है, अप कास्ट शाफ्ट में प्रेशर लो है, तो आप बता पाओगे ना कि हवा किधर से किधर जाएगा, आप बता पाएंगे ना कि यहाँ प्रेशर ज्यादा है यहाँ कम है, तो हवा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी तक, ठीक है ना, अभी तक अभी काफी चीज आगे है, ठीक है। तो ये रिलेशन समझ में आया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा और इलाबोरेट कर देता हूँ। आप यू नो लाइक बॉयल्स लॉ पता है, किनको किनको पता है बॉयल्स लॉ, एनीवन कैन रिकॉल बॉयल्स लॉ?
Anyone? I'm unable to write properly. Don't worry. Slowly, slowly, I'll learn. I'm just started using this. So Boyle's law. First, let me talk about Boyle's law. Boyle's law mein kya hota hai ki, if we take ye pani hai, theek hai? Agar ye aapne padha hoga bachpan mein. I'll call it bachpan only. Bachpan mein padha hoga. Boyle's law mein kya hota hai ki, agar if we water bubbles jo hote hain, agar wo ऊपर की तरफ राइज करते हैं तो उनका शेप धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, होता है ना, और जब ऊपर ये पहुंचता है तो ये फूट जाता है, बड़ा होकर, इतना बड़ा होकर वो फूट जाता है. तो यू नो ये पानी था, ठीक है, दिस वाज, यस सर, ये पानी था, ठीक है. तो यू नो कि जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है. कम होता. दिस इज द कॉन्सेप्ट ना. तो बॉयल्स ले सॉरी बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट कि आपका प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम. आपका जो ये छोटा छोटा बबल्स था, इसका वॉल्यूम जब ये हाई प्रेशर जोन में था, जब नीचे था तो दिस वॉज हाई प्रेशर ना, तो इसका साइज क्या था, छोटा था, ठीक है. जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर लो होता जा रहा है, लो प्रेशर, और बबल्स का साइज बड़ा होता जा रहा है. तो दिस इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. सो दिस इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम, ठीक है. सॉरी, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. समझ गए बॉयल्स लॉ क्या है.